रमेश जी शिवा से सौ रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़े भाई थोड़ा एक में रागनी का मूड नहीं बना जा रहा, तो करे डांगर बांधा था फिर भी ठान ने साफ सूफ करके जब डांगर ने बांध दिया है। जिस समय शेख तारासिंह ने गौशाला धर्मशाला और पाठशालाओं में दान देना बंद कर दिया, शेख तारासिंह के उल्टे लग गए, प्रदेशों से चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ दिया मेरा, और किसी का दोष नहीं शर्करा आएगा। फिर जब दान पुण्य करना बंद किया, चारों तरफ से गलत संदेश आने शुरू हो जाते हैं, शेठ तारासिंह के बहुत भारी नुकसान हुआ। आखिर में इसी स्थिति आ गई, खाने के लिए अनाज भी नहीं, दयावती सेठानी थे शेठ तारासिंह को लग गया कि मैं ले रही हूं तो लिया ने ना, तो भूखे मरेंगे नूबली। हाँ एक चीज है मेरे तो रे, तारासिंह इंतजार करता रहा के है तेरे तो रे, जो तू मेरे तो लोग मरा खरी, लोगो गौर करना, 6 साल का लड़का चंद्रगुप्त उदयावती सेठानी नाग खड़ा कर दिया कि यू छोरा है के इसका के करूं, के तेरा मित्र है कौन के मनसा से थापड़ में ये छोरा न करने दे रहा, के छोरा न करने दे रहा हूं, क्यों भूख सबके में करवा दे। तारासिंह ने सोची रैया तो इसकी माँ है, और जब माँ भी नहीं कहे जब मेरा छोरे ने बेच दे, पर तू दुखी नहीं होना चाहिए, के करूं के चंद्रगुप्त इकलौता बेटा इसने गर्वी धराओ, मनसा सेठ बसे पड़ में उनके सुप्रत कराओ। शेठ तारासिंह 6 साल के लड़के चंद्रगुप्त को लेके मनसा सेठ के हापुड़ में पहुंच जाता है, और जब मानस का दुख हो रहे प्यारा मानसा के दीख जा आंसू आ जा रहे, मनसा सेठ के पास में जब गया तारासिंह ठट हुक मारी, न बोले रे तारासिंह के बात है कि मैं दुख से बोला, दुख तो योग ले ले रहा, दुख ने तो ले ले रहा हूं के, बोला रही छोरा है ट्वटे में मरू हूं मेरी दया कर ले, चीज साढ़ मोली से गण कर ले, ये छोरा रख ले और 10 रुपये दे दे। बोले यह बात पूछनी पड़ेगी भाई, मनसा सेठ भीतर गया अपनी घराड़ी तो रहे न्यूकन लग गया, तारा सन आ रहा है मनसा सेठ की घराड़ी धरती चुकारी, ये तारासिंह मारा आ रहा है मारे तो बड़े 16 भाग तारासिंह मारा आया थे, मनसा सेठ ने बोले उषा तारासिंह को नहीं रह रहा, सुन तो सुनाऊ तेरे जकर छठानी उस तारासिंह के हाल का, शेठ टट्टे बीच मरे से एक लड़के ने लिए फेरे से, उसने गिरवी धरे से उसकी उम्र से यानी वो बालक होगा 6 साल का, सुन तो सुनाऊ तेरे जकर छठानी उस तारासिंह के हाल का, इज्जत छोटी में ना होती धोरा धर्जा नाती गोती, मिलते ना मोती पड़ी कांकर खानी, कदे था हंस सरोवर ताल का, सुने तो सुनाऊ तने चक्र सठानी उतारा चंद के हाल का, के छोरन लेकर आया है और न्यूकस है गहने तो रूंगा छोरे ने, और 200 रुपये लेकर जाऊंगा, न्यूकर लग गया भी आ रहे हैं। चल चल चल। ताराचंद रुपये से आधार ले जा पर छोरे रखू नहीं, सुनिए भाई नोला रुपये से आधार ले जा पर छोरे नहीं रखू, के क्या थे मेरी घराले ने कही है बात, भीड़ पड़ी माया से होकर लाचार पिया, 200 रुपये मांगे से उसने दे दे कई 1000 रुपया के ज्यादा ना रखू। तारा से बोला रे ओ मनसा मेरा टोटा टोटा आया है, मेरी जमीर नहीं मरी है, हाँ
रपिये उसका तो ले जाएगा जिसका थोरन छोड़ के जाएगा। तेरे द्वारा छोटने जाते जी कर था कि तू मेरा मित्र है, मन छोरे की चिंता नहीं रहेगी, छोरा बढ़िया शिक्षा सीखेगा, नहीं तो जिसका छोरन छोड़ के जाएगा ना उस पर रपिये ले जाएगा। मनसा सेठ ने बोला न बोलो भाई छोरन छोड़ जा और रपिये ले जा। यहां पर ताराचंद उस परिवार को संबोधित करता है। एक कुने पे सेठ ताराचंद खड़ा होता है, सांग का जो पार्ट हुआ करता, एक कुने पे मनसा सेठ खड़ा होता है, एक कुने पे मनसा सेठ की घरवाली खड़ी होती है और एक कुने पे लड़का चंद्रगुप्त खड़ा होता है। कैसे क्या कहा सुरेंद्र। सौ सौ पेशे और मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद है। बोल सुना भाई, रागनी खुड़का नहीं है कदे को न्यू कह दे केरल का आदमी के हरियाणा में दी तीते आदमी इकट्ठे हो कल की मारे हैं, कल की नहीं मारते एक एक बोलने पकड़े हैं, वो हरते मजे में होता है। क्या कहा बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा रंग
देसी रंग प्योर हरियाणवी। सजनो हेलो, लड़के को गिरवी रख के 200 रुपए ले लिए और 200 रुपए लेके जब चलन ला गया तो मनसा सेठ उसने थोड़ा भोजन बांध के ताराचंद को दिया कि भाई तू मेरा बचपन का यार है, तेरे को रास्ते में भूख लगेगी तो इस भोजन को खा लेना। सजनों बताते हैं कि 200 रुपए और भोजन लेके वो ताराचंद कहां के हर नंदी नदी पे आके ठहर जाता है और मन में विचार करता है कि क्यों ना थोड़ा स्नान कर ले। सजनों 200 रुपए भोजन बाहर रख के स्नान करने के लिए हरनंदी नदी में बढ़िया और जब बाहर निकलिया तो 200 रुपए और भोजन गायब। और कैसे मन में तरह तरह के ख्याल आवे, रे रानी पूछेगी तो के कहेगा हे ईश्वर तेरी न्यारी माया है, एक बात के द्वारा क्या कहता और क्या बता रहा। मामा जी हेलो, 51 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे आदरणीय भाई मोहित जी ऑस्ट्रेलिया से बहुत मान सम्मान, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद।
हमारे आदरणीय श्री कृष्ण चंद जी बोल दूंगा बैठ जाओ। चहल साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये हमारे आदरणीय भाई पवन शर्मा जी शाहपुर से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। प्रेमी ले गया सारा काम, 100 रुपए की मान सम्मान कर, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और नौका दा भाई को गौ माता की बिरागरी सुनाई, मैं सुनाऊंगे भाई, देखियो देखियो 50 रुपए से ये भाई भी मान सम्मान करते हैं, आपस में मजाक तो जैसी है थोड़ा थोड़ा। और मेरा लाइक साधन था काला कित गया रे काले खड़े हो, अच्छा बैठ काले जोड़ी का खड़े हो जाए, एक बार दही हो रहा भाई, एक बार खड़े हो गुरु जी, एक बार प्रणाम आपसे। अरे भाई एक बार यो नहीं खड़े हो, आदम मैं इतना गंदा भी नहीं, एक बार खड़े हो गया हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के आगा लग गए, यो खड़े हो गया हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ ले बड़ी, ए बे ध्यान से देख लियो यो भाई वो टी शर्ट, अरे भाई था जो 100 रुपए बेजरो वाला दे था, तू भी देख लिए भाई, यो फट फट फेंकना बैठता कि देख ले सुनियो ना, यो आप बैठ जाएगा एक दिन बाल तो मेरी भी उड़ रहे हैं, और मनो गाड़ी वालो पलटा पलट के और हम तो काट गए कंगा और मैं बाल मारन लग गया, और रिटेट तो जाऊ न बाला का जकरा करू हूं को पाड़ी नहीं तो ना आ गया, मैं मनो मारन लग गया कंगा, यो पछे तो काला नहीं बोला बोला थोड़े थोड़े दांदरे का एक मन में भी दे दे, मैं इसका ने पत्थर लखा मनकल मार गया, यो तो मा काले तू तो न्यूगान कर पोचा मरवा लिया करे। वो आपकी बात है, वो पेंडिंग में है बारू जी, हाँ। अरे आपके ऊपर तो एक बात और भी सेट हुए है, क्यों घना प्यारा मानस है और मजा की आदमी है, एक दिन एक यो बाजा बजानिया है, यो मदन का छोरा नौथा लगा, हमारे ताऊ जी बहुत बढ़िया गाने वाले रहे, और इन मरेशियन ज्यादा बहुत लग गया कर डुमन ज्यादा घना लग गया रे, एक दिन के गाड़ी में बैठा बैठा कतक का भी ना बोला रुई का के बाहर रुई का के पास है, ये काला ने बोले बोले तने 100 की रुई लेनी है मंडी के बाने क्यों तड़वा है तू, कुंती ने पूत जाने के, कुंती ने
पुत जान के आज अंत भी जात फिर पड़ी डर देली सरकार के हर बात पुत जू सेवा करिए अरे तू तो नीर स्थान के तू तो नीर स्थान के पहले 500 रुपए से और मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद राजन चौहान प्रेमी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद जोगिंदर जी को मैं मेरा चाचा बैठा कृष्ण चल माँ भिम्मता की आदमी है और मजाक भी उतने करेंगे जितने बढ़िया हो और एक बगाना काला रंग का पाली था एक घने काले रंग का एक पाली महेश खोई थी और कौन पर बेरा लग गया महेश पाई नहीं है और सांझ होगी और पाली भी घर नहीं आया पुराना टेम बापू दीवे के चैनल में रोटी खान लग रहा और पाली ने सच्ची मौका है भी त्रिपट जा तू भी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है के बाबू उन दिख को ना तू कड़का नहीं के बढ़ जा रहे और कड़के पछ गए अरे ओबरे में जा पड़िया ये बुढ़ा भी पड़ा ने पहचान गया खुड़के ने पहचान गया थर्ड के रोटी खा के लाठी जिस ओबरे में छोरा बढ़िया था वो भी बढ़ गया कड़ाकड़ तीन लट्ठी चला दी और पाली ने मिला बाबू बात चले मैं पाओ चमत पाओ पर तू न्यू बता इस अंधेरे में तने तीन वार करे तीनों मेरे लगे तने कुकर मारे मुड्डा ने बोला जड़ा जड़ा घना दे रहा था उड़ ठोकर के श्री कृष्ण चहल साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद
हमारे आदरणीय जोगिंदर उर्फ बारू 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई पवन शर्मा जी शाहपुर से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई हमारे मामा जी नरेंद्र दांगी के उनको मारे भी हैं, मकड़ोली से 51 रुपए से और मामा जी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जाने वाले जाने वाले जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले। मामा गलती करेगा तो अलग अलग व्यवहार है। भाई सुरेश डोली उत्तर प्रदेश से बहुत बढ़िया गाने वाले, बहुत बढ़िया सामाजिक आदमी है, और इस गल मजाक हट कर यार मैं और यूपी के वाले गल कर दिया, इस गल कम कर यार, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा भाई। बिना जद्दी लग के बिना बिना छ उठे बिना प्रोग्राम होता भी नहीं है। यूपी का मानस इतने अंदाजे थे तजर्बे थे, बात ने दर्शा देगा हमारा समझ में नहीं आओगी ना, झूठाला नहीं कहूंगा। एक नो बोला आप जा रात को, आप जा रात को घर में चोर बढ़ गए और चोर बढ़े आराम जादू ने बेड़ा खोल दिया, बेड़ा खोल लिया, बल्द खोल लिया, कदे कदे समझ मना हुआ है क्यों घट रखे हैं। आजकल तो जो हट्टे करने लगे जो कि मैं काम करे थे और जो हट्टे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ गई इब जो हट्टे भी खत्म न बोला। रात को चोर बढ़ गए और आराम जादू ने बेड़ा खोल लिया, बोले तन्ने क्या किया, बोले मैं तो देखता रहा कैसे लेके जा रहे हैं, मैं देखता रहा कैसे लेके जा रहे हैं, बोले फिर तन्ने क्या किया, बोले बड़े को लेके वो बाहर निकल गए और मैं अपनी छत पर चढ़ा, मैं अपनी छत पर चढ़ गया और मैंने तो छत पे चढ़ के ऐसी सड़ी सड़ी गालियां दी, जे इंसान हो तो मारे दोबारा बेड़ा खोलने के लिए आने का नहीं, फिर नहीं आने का हमारे करिया के। उसने भाई वो चोर बल्द भी खोल ले गए, उसने करिया कुछ नहीं, बोला मुझ छात पे चढ़ के आन दे। ओ गुरु जी मान्यता प्राप्त सेहत काम का मान्यता प्राप्त पहलवान, वो मानो चाहे को मत मानो, और जो उठाली तारी बात थी ऐ देख न्यू आठा में थे तू बोलने का अमेरिका इंडिया फाइनल में वो अमेरिका वाले पल्ला खड़े हुए, उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात करी ते इतना बड़ा फार्म अपने ट्रैक्टर पे अगर चक्कर लगाए तो 6 महीने फार्म का चक्कर लगाने में लग जाए। जो निर्णायक था उसने देखा पर इतना बड़ा फार्म 6 महीने लग जाए ट्रैक्टर चक्कर काटेगा, 20 नंबर का कंपटीशन 19 नंबर अमरीका दी दे दिए निर्णायक ने। अपना ने सोची भाई वो जो कमेटी जा रही थी वह कौन ठहरा जा, मदन पाल ठहरा जा, सुरेश पाल ठहरा जा, भोपाल ठहरा जा, प्रेम पाल ठहरा जा। भाई उन्होंने फिर प्रेमपाल को उठा दिया, भाई न्यू कह गए चल प्रेमपाल गया
और इनके कुर्ते ने कुर्ते यूपी वाले के देखे होंगे, चूंच इतनी कड़ी पहनी पा रहे हैं, चूंच घनी पहनी, जचा के टोपी करके कुर्ता ढीला। और फिर आया मैदान में, भाषा कुछ अलग है और पानी पताला ना तकरीबन थोड़ी रखी होगी, न बोले हट जा बात को सहसे है भाई, बारिश के मौसम में लौंडे ने तरबूज खा के बीज पतराल की डबकू फेंक दिया। अब वहां पर बेल उगाई और बेल का क्या बड़ा तरबूज लगे, हमारे तो निकलते भी लगे पड़ते भी लगे। मैं सोचा ऐसे काम चलेगा नहीं, मैं सीढ़ी लाया, सीढ़ी लगा के और चाकू से तरबूज में टाकी लगानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद समझ में आई हाथ में चाकू नहीं, हाथ हाथ चल रहा है। मैं सोचा चाकू छोड़ा नहीं जागा, मैं तरबूज के अंदर घुसा। मेरे चाचे का छोरा मुझे देख के कहने लगा, दिलबाग तू कैसे आया? मैं बोला यार मैं तो चाकू ढूंढ रहा। न बोला तेरा चाकू यहाँ कहाँ मिलेगा, मैं दो दिन से चाचा के बैल ढूंढ रहा। निर्णायक ने बोला भाई साहब के जकरा कर रहे हो, तरबूज के अंदर का जकर है कि तो और के जकर है? नोबला तरबूज के अंदर का जकर कर रहा, और क्या अमेरिका वाले फार्म का कर रहा? नोबला दो दिन ती तरबूज में बोल नहीं पाए तो थम में जीत रहे हो भाई। अलग अलग तजर्बे हैं दुनिया के भाई। वो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंगूला रे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गंगूला रे, वो तेरी यादें मिटा रे, वो तेरी यादें पिटीशन जो है ये ना ना चुटकले का सिस्टम जो है मैं बहुत कम कहा करूं, एक आधा कह दो। अच्छा अच्छा चलो, जब चोर होगा जिगरा चाल पड़ा था चोर की कह देंगे। वो एक में दो तीन कच्चे हो गए
इवा चलो बनिया के डंका के रंगे पहला डंका ही आख रहे थे कि बस डाका पड़ गया तो बनिया का जाके 10 बजे सी पाड़ देनी शुरू कर दी। अब बनिया की नजर पड़ी वो उसने शोर सुनिया, शोर सुन के उससे ठाणी के दोहरा आके से ठाणी सो एक जाग गए। बोली ना सेठ जी भी तो जागू। बोले के मारे जो पहला छोरा होगा हम उसका नाम हरपाल धरेंगे। वो सेठानी न्यू कहने लगी सेठ जी जाकर सो जाओ, जिब होगा जिब की बात करियो। इब चोर जो थे उन्होंने पाड़ देनी बंद कर दी कि भाई सेठ जी जाग गए हैं। घंटा पीछे फिर काम जोड़ दिया। इब सेठ की कहां आग लग गई थी। सेठ ने फिर खड़का सुनिया, फिर गया कि सेठानी सोवे एक जाग गए। अक्षेठ जी के बात है आज नींद क्यों नहीं आ रही। नु बोले महाराज दूसरा जो छोरा होगा हम उसका नाम जयपाल धरेंगे। अब जब होगा जब की बात करियो जब सो जाओ। चोरू ने सोचा भाई अभी तो सेठ जी जाग गए हैं, थोड़ी देर फिर बंद कर दिया। 12-1 बजे से फिर काम जोड़ दिया, फिर खुट खुट करने लगे। इब सेठ की फिर वहीं पर आग रही नजर उड़ी थी। उसने फिर वो एक काम फिर सेठानी के दौरा गया कि सेठानी सो एक जाग गए। सेठ जी ना तो शोर ना सुन दो के बात है। अब मैं यूं कहूं था मारा जो तीसरा छोरा होगा हम उसका नाम चोर धरेंगे। बोली थारा तो कुछ बहम हो गया, जाओ जाकर सो जाओ। इब चोर फिर रुक गए 5-1 मिनट पीछे। बोले यार बस मेरी तो सिमझ में नहीं आऊं, मैं तो हाक मारूं लमडू को हाक मारूंगा। मैं भी और के है इब पड़ोस में हरपाल जयपाल नाम के दो भाई रहे थे, बड़े पहलवान आदमी थे। अब कोठे चढ़ के चौबारे पे आवाज लगानी शुरू कर दी, हरपाल जयपाल चोर, हरपाल जयपाल चोर। जब 5-4 बार आवाज लगाई वे दोनों भाई बाहर आ गए लीगढ़ के, लट ले रहे मोटे मोटे कुंगा उड़े तो वे चोर भी थे आगे। इब गाड़ के मुंड पर ठा दिया उनका करड़ा। सुबह होगी पड़े पड़े कर रहा है। अब पुलिस आ गई वे कहले वा आराम जादो चोरी करी। बोला जी दरोगा जी चोरी तो करी ना, चोरी नहीं करी। के सही बताओ चोरी करी कि नहीं। बोला जी एक बात का मलाल है, चोरी तो करी नहीं, एक बात का मलाल है। क्या? बोले जो उनसे पैदा नहीं हुए उन्होंने मार दिए। आपका आ गया। सो सो मन की जान दे।
हमारे आदरणीय भाई पवन सर, पवन शर्मा जी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय श्री जोगेंद्र सिंह उर्फ बारू, बहुत मान सम्मान किया, 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार। कोई बात नहीं, फिर दे देंगे। पैसे और मान सम्मान करते हैं जोगिंदर उर्फ बारू, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बारू गल साधे खेती करनी पड़ेगी। नहीं पीछे बतेरे सुन तो ले, मजाक करेंगे ना, जो घरेलू मजाक है ये तो अपना। हाँ पर मैंने कह रहा घरेलू मजाक कराए ना, और दो जने ने साथ ही खेती कर ली, साथ ही खेती कर ली, ठेकर किले ले लिए और गेहूं बो लिए। आप मैं तो पहले दे दूंगा। पर उन खेती वाला पेटा को नहीं बोरे, मैं एक बात बताऊंगा, डर जाओ, एक बात सुन तो लो। ओ चाचा आपका कृष्ण बैठा, अच्छी बात है। अरे एक भाई चुटकुल सुन लो रे, जी हाँ लग जाएगा। दो जने ने साथ ही खेती कर ली, ठेकी धरती ले रहे, गेहूं बो दिए, ना तो राम बरछा ना नहर के पानी गारा करना बैठा, गेहूं उड़े कमजोर, दोनों साजिया ने वे गेहूं काट दिए, फिर कट्ठे कर लिए और फिर काट लिए। थोड़े गेहूं थे, दोनों ने बतलाए साजी बलाड़े बाट लेंगे, पैर में उन बाट लग गए, पहले आकर दे वो माप जो अपने मटके नहीं है, जाखरे बोलिया तो उन जाखरे। अब तो फिर ड्रामी आ गई है, वे माप भरे न्यून गिर दे, एक भाई माप भरे न्यून गिर दे, एक जड़े दोनों के 15-15 माप बाटा है, जो 31वां माप था ने वो आधा ऊपर बच गया, दोनों लखाए आपस में, यो तेरा आ गया यो तेरा आ गया भाई, इसने बाटे को करे, एक ओक्टी की चलम पड़ी थी पैर में, उसका तला लता फंसा लिया, चलम भरे चलम भरे चलम भरे चलम भरे। इतनी बार में एक पड़ोसी आ गया, नूबलरा कित कितना हिसाब किताब हो गया थारे, कितना नाज हो गया, नुबलेन जाखरेंद बेबे गोड़ रखी थी 85-85 चलम बाटा रही है। संदीप शिवहाग नगरी से 100-100 रुपए से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। युवा साथी भैया मनु ने बेरा रहा है, जेंट्स की पिंटाले झोरे विराग नहीं सुनेंगे, अब जचा नहीं थी लेकिन सुनेंगे, रागनिया ने सुनेंगे और सुनते भी ये। संदीप जी मकड़ोली से 50 रुपए से मान सम्मान करते, युवा साथी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। वे सेठ पने की बात याद
सोनू शर्मा जी आओ लाना, गांव में प्रोग्राम है, रमेश कलावड़िया, सुरेंद्र गिनाऊ और हमारी पार्टी इसनोर बुला लेना के दिक्कत बड़े था। 24 तारीख को सितंबर को आओ लाना गांव में दिन में प्रोग्राम है। सोनू शर्मा जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, शर्मा जी को बार बार धन्यवाद। मैं शर्मा जी दे बात सुन लो, मैं फोन नंबर पर पाओ नहीं, थम भी शर्मा लिया करो थोड़ी है। Peace.